हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो पडिंग, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही एक कम समय में बन जाने वाला है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आम। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो आम ले रखी हूँ। वजन से बोली तो ये 700 ग्राम के करीब होगा दोनों आम हमारा। तो पहले हम आम को छील लेंगे। चलिए इसे छील लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों आम को अच्छे से छील लिया है। छील करके इसे फिर से वॉश कर लिया है, धुल लिया है। अब इसका सारे पल्प निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस आम में बिल्कुल रेशा नहीं है। तो हमें ऐसी आम चाहिए जिसमें रेशा ना हो। तो दोनों आम को हम ऐसे काट लेंगे, सारे पल्प निकाल लेंगे, इसे भी निकाल लेंगे, इसे भी कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों आम को कट कर लिया है, सारे पल्प निकाल लिया है। आप इसका गुठलिया भी देख सकते हैं, बिल्कुल पतली गुठली है इसमें। तो हमें ऐसी आम चाहिए। अब यहाँ पर लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें सारे आम के पल्प को डाल देंगे। और इसमें हमें पानी नहीं डालना है, ऐसे इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आम को बारीक पीस लिया है। तो आप पहले इसमें दूध मिलाते तो इसमें गुठलिया रह जाता, इसीलिए पहले हम इसमें दूध नहीं डाले, सिर्फ आम को ही पीस लिए हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ पीस गया है आम हमारा, बिल्कुल इसमें गुठलिया वगैरह नहीं है। तो अब इसमें हम दूध मिलाएंगे। तो अब इसमें दूध मिलाएंगे। तो दूध यहाँ पर 300 ग्राम के करीब मैं दूध ले रखी हूँ, यानी कप से आप 1.5 कप के करीब होगा। तो दूध डालने के बाद इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध डालने के बाद भी इसे ग्राइंड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं एक भी गुठलिया इसमें नहीं है, क्योंकि दूध हमने बाद में डाला है और आम के साथ ही में दूध डाल करके हम ग्राइंड करते इसमें गुठलिया रह जाता, एक भी गुठलिया नहीं है। तो अब इसे हमें एक कोई पैन या कढ़ाई में डालेंगे जिसमें कि कुक करना है। तो मैं इसे कढ़ाई में कुक करने वाली हूँ, तो इसीलिए इसी में निकाल लूँगी। अब इसमें डालूंगी 1/2 कप चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मीठा आपको कम पसंद है या ज़्यादा पसंद है उस हिसाब से आप चीनी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दूंगी 2 पिंच नमक। मीठे में नमक डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए 2 पिंच ही नमक डाली हूँ। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चीनी डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड कर देते हैं और यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे या कटोरी और इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। ये दूध रूम टेम्परेचर पर है, नहीं ज़्यादा गर्म है नहीं ज़्यादा ठंडा है। तो दूध को मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया था, तो रूम टेम्परेचर पर आ गया है दूध हमारा, तो नहीं ज़्यादा ठंडा है नहीं ज़्यादा गर्म है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो बड़ी वाली चम्मच से 2 चम्मच डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलिया ना पड़े इसमें। तो कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। तो अगर दूध हमारा गर्म होता, गर्म दूध में कॉर्नफ्लोर डालते तो गुठलिया पड़ जाता, इसीलिए रूम टेम्परेचर दूध को करके तब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर को डाला है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल इसमें गुठलिया नहीं पड़ा है। तो चलिए अब गैस की तरफ गैस को पकाते हैं। तो यहाँ गैस को ऑन करेंगे और स्टार्टिंग से ही गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें बनाना है। तो गैस को लो कर देंगे और इससे ही अपना कढ़ाई रखेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इसे बनाना है, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं करना है। लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकाएंगे और इसे चलाते रहेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये इतनी गाढ़ी है। अभी धीरे धीरे पकने के बाद जैसे हमारा चीनी मेल्ट होगा, पतला हो जाएगा, इसमें उबाल नहीं आ जाता है, तब तक हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गया है बीच बीच में चलाती रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अभी पतला हो गया है, क्योंकि चीनी हमारा मेल्ट हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर का घोल जो तैयार किए थे वो डालेंगे। तो पहले हम इसे चला लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है छोड़ने के बाद। तो अच्छे से पहले इसे कर लेंगे।
और कॉर्नफ्लोर को एक ही साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते रहेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएगा। तब इसमें एक हाथ से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक हाथ से चलाते रहेंगे, एक ही साथ नहीं डालें। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। ऐसे ही डालिएगा, एक ही साथ पूरा कॉर्नफ्लोर को नहीं डालिएगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद फिर से ये गाढ़ी हो जाएगी, सारे कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कॉर्नफ्लोर डालते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, हाई या मीडियम नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे छींटे आएंगे। और कॉर्नफ्लोर को घोल डालने के बाद 3 से 4 मिनट हम और पका लेंगे इसे, इसे चलाते रहेंगे नहीं तो गले में लग जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि गैस में उबाल आ रहा है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। तो 1 मिनट इसे और पकाएंगे तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है। और इसे गिरा रहे हैं तो लगातार नहीं गिर रहा है, टूट टूट कर गिर रहा है। तो मैंगो पुडिंग के लिए मिक्सर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो गैस को बंद कर देंगे, गैस को बंद कर दिया है, इसे छोड़ देंगे। और चलिए मैंगो पुडिंग को बनाने के लिए, जमाने के लिए बर्तन तैयार करते हैं। तो मैंगो पुडिंग को जमाने के लिए यहाँ पर मैं ये डिजाइन वाले कटोरी ले रखी हूँ, देख सकते हैं। आपके पास जो कटोरी बर्तन है वो ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी या तेल हम ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास प्लेन कटोरी है तो प्लेन ले सकते हैं, डिजाइन वाले हैं तो डिजाइन वाले ले सकते हैं। तो डिजाइन में मैंगो पुडिंग बहुत देखने में अच्छा लगता है। ये जो कटोरी है इसमें भी मैं जमाने वाली हूँ, तो इसे भी ग्रीस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों को ग्रीस कर लिया है, तो कटोरी को ग्रीस कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे और कटोरी को एक दो बार ऐसे टैप कर देंगे जो इसमें एयर बबल्स हो निकल जाए। अब इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तक ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये लीजिए, 2 घंटे बाद मैंगो पुडिंग हमारा अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सेट हुआ है। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप देख सकते हैं साइड से ये तोड़ने लगा है, अपने आप निकल जाएगा। तो इसके ऊपर से हम प्लेट ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे। तो पलटने के बाद थोड़ा सा इसे टेप कर देंगे और कटोरी को इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से निकल गया। तो इसको थोड़ी सी आम से ही हम सजा देते हैं। तो ये लीजिए मैंगो पुडिंग को पुदीने का पत्ता और थोड़ा सा टूटी फूटी आम से सजा दिया है। तो आप देख सकते हैं ये मैंगो पुडिंग आपको देखने में जितनी सुंदर दिख रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। बच्चे तो आपको मांग मांग करके खाएंगे, बहुत पसंद आएगा बच्चे बड़े सभी को ये। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी मैंगो पुडिंग कैसी बनी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।